प्रथम तहलका न्यूज। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में मारे गए पायलट आशीष तंवर को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद पायलट आशीष तंवर का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान ने 3 जून को जोरहाट एयरबेस से मेचुका के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के लगभग आधे घंटे के बाद विमान का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया। ये विमान अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में पारे पर्वत श्रृंखला के पास हादसे का शिकार हो गया था और विमान में सवार 13 अधिकारी शहीद हो गए। ये तो मेरा बेटा नहीं था, ये तो इन सब जहान का बेटा हो गया। हमें तो बहुत गर्व है इसके ऊपर। अब तक तो हम ये सोचते थे हमारा बेटा है, लेकिन जब आज इतनी पलवल से इधर तक हमने देखा कि हाँ ये तो एक बोलता था, मैं बोलता पापा कुछ हटके करना है, बोला मजा नहीं आ रहा। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। प्रथम तहलका न्यूज़।